नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हर बड़ी खबर पर हमारा विश्लेषण आप लगातार सुनते रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। आज एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के मेरठ शहर के कप्तान हैं, एसपी हैं, उनका वीडियो वायरल है। वो एक दंगाइयों के इलाके में हैं जहां पर दंगा कथित तौर पर हुआ है या हो सकता है, उस इलाके में जाकर वहां के लोगों को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं डांटते हुए, हड़काने के अंदाज में, धमकी देने के अंदाज में कि अगर आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो यहाँ क्यों रहते हो, आप पाकिस्तान चला जाओ। वो वीडियो शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसकी एक झलक मेरे पास यहाँ पर है फ़ोन में, मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। कहाँ जाओगे इस गली को, मैं ठीक करूँगा, देखो मौका दिए ना। नहीं वो तो ठीक है, जो काली पट्टी है पीली पट्टी वहाँ नहीं, गलत बात है, वो बता रहा हूँ जो मैं तो पाकिस्तान चले जाए। फ्यूचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के, एक सेकंड हाँ सब कुछ काला, पट्टी नहीं जिंदगी भी काली है। नहीं नहीं गलत बात है, देश में नहीं रहने का मन है चले जाओ, आओगे यहाँ गाओगे कहीं और का। नहीं रहने का मन है तो चले जाओ, खाओगे यहाँ का और गाओगे वहाँ का, इस तरह की बात कहते अखिलेश नारायण सिंह इस वीडियो में जो मेरठ के एसपी हैं सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं के साथ बगल में ये दो शख्स खड़े हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें जो उस इलाके के शायद बाशिंदे हैं, मैं इनको जानता नहीं हूँ, इनका नाम बताया नहीं गया है, ये दो तीन लोग हैं। इनमें से एक शख्स बार बार बोल रहा है इसी वीडियो में, ये जो लाल स्वेटर पहना हुआ है जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो सुनाई भी देगा कि हाँ वो लड़के जो कह रहे थे गलत कह रहे थे। अब वो लड़के कौन है और वो क्या कह रहे थे, इसको ध्यान से सुनिएगा देखिएगा। देश में रहने नहीं रहने का मन है चले जाओ, सही बात है, आओगे यहाँ गाओगे कहीं और का, बताओ सालों को कुत्तों को, गलत बात है। मैंने फोटो ले लिया, बताऊंगा इनको, बता देना सालों को आराम को, इस गली को मैं ठीक कर। चार थे वो, चार थे, फोटो हो गई बुरी बात है, मुझे याद हो गई, याद रखना, जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुँचता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये वीडियो मेरठ में जब दंगे हुए थे उस दौरान का वीडियो है। अखिलेश नारायण सिंह एक इलाके में गए, पुलिस को आता देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कों ने पुलिस को, जो शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने पुलिस को चिढ़ाने के अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ऐसा कहना है अखिलेश नारायण सिंह का। वो जिंदाबाद के नारे लगने वाला वीडियो कम से कम मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, मुझे नहीं मिल पाया है। अगर वो वीडियो हमको मिलेगा तो मैं उसको भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर वे शहर के कप्तान हैं, एसपी हैं, गलत नहीं बोल रहे होंगे, बगैर मतलब किस तरीके से नहीं चिल्लाएंगे। मैं एक बात को उनकी, एक मिनट के लिए उनकी बात को सही भी मान लेता हूं कि कुछ लोगों ने उनको तंग किया, छेड़ा, उसके बाद वो उन लड़कों को पकड़ने गए, लड़के भाग गए, तब वो उस इलाके में खड़े होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को धमका रहे कि इस पूरी गली को देख लूँगा मैं, पाकिस्तान का रहना है, पाकिस्तान का खाना है, गाना है तो पाकिस्तान ही चले जाओ, इस तरह की बात अखिलेश नारायण सिंह ने की है। ऐसे में ये जो बंदा है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, लाल स्वेटर वाला, ये बंदा कहता है हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि जो कुछ हो रहा था वो गलत हो रहा था, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। यानी कहीं ना कहीं ये स्थानीय बंदा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि उन लड़कों ने, जिनके ऊपर ये आरोप है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और ये कहकर आप कुछ ग्रेस मार्क्स अखिलेश नारायण सिंह को दे सकते हैं कि उन्होंने उन लड़कों को डराने के लिए इस तरह की बातें की, अगर ऐसा करोगे तो तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। अब ये वीडियो इसलिए ट्रेंड कर रहा है सुबह से कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश नारायण सिंह को कप्तान होने के नाते, एसपी होने के नाते इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, दंगाइयों से, बवलाइयों, जो बवाल कर रहे हैं उनसे, या जो शरारती तत्व हैं उनसे इस तरह के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, आप जिम्मेदारी के पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए थी। 100% मैं भी सहमत हूँ, अगर आप अहम पद पर हैं, जिम्मेदारी के पद पर हैं, तो आपको जिम्मेदारपूर्ण काम से आपको करना चाहिए, अखिलेश नारायण सिंह को भी वही रवैया अपनाना चाहिए था। लेकिन वो जो शख्स बगल में खड़ा है, जो स्थानीय निवासी है, वो ये क्यों कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय लोग मानते हैं कि लोगों ने वहाँ पर, लोगों ने पुलिस को तंग करने की कोशिश की, पुलिस को छेड़ने की कोशिश की। ऐसे वक्त में जब इलाके का माहौल तनावपूर्ण है, संवेदनशीलता की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये दायित्व हम सबका है, मेरा भी है, आपका भी है, और उन तमाम लोगों का है जो जिनके आसपास इस तरह के शरारती तत्व होते हैं, कि उनको वो रोकें,
कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे माहौल में सांप्रदायिकता भड़के, उग्रता भड़के और आपस में बैर उत्पन्न हो। और ये आदमी जो स्थानीय बाशिंदा है उस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि ऐसा उन लड़कों ने किया था। तो पहली बात, दो तीन चीज़ें साफ निकल कर आती हैं, अखिलेश नारायण सिंह कप्तान हैं, उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उनको और पॉलिटिकली मैच्योर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था और सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए था, लेट मी पुट इट राइटली। उन्होंने शायद जल्दबाजी कर दी, वो तैश में आ गए, गुस्से में आ गए और उस चीज़ में आकर वो तमाम ऐसी बातें बोल गए जिससे उनको आज सफाई देनी पड़ी। उनका एक सफाई की बाइट भी आई है, वो भी आपको सुना देते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लड़कों ने ऐसा कहा था इसीलिए मैंने उनको कहा। पहले वो बाइट भी सुन लीजिए। ये लिसाड़ी चौकला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हमें और रेडियम सिटी थे, कुछ फोर्स हमारे साथ था, कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे। उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। दूसरे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदा बहुत बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहाँ का तुमको ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें ये उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। मुकदमा उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं, अमेरिका जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग, अगर देखा जाए क्या मैच्योर थे क्या? रहे होंगे 18-20-22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। सर उसमें जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। इसके बाद अब मैं ये कहना चाहूँगा उन लड़कों से जिन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, क्यों आप पुलिस को उकसा रहे हैं? जब पुलिस पर ये प्रेशर बना हुआ है कि उसको वहाँ पर शांति बना के रखनी है, उसको अपने इलाके में दंगा नहीं भड़कने देना है और हर उस इलाके में जहाँ से वो गुजर रही है उसको इस बात का शक है कि उसको पत्थर मारे जा सकते हैं, उस पर हमला हो सकता है, तो वो क्या करेगा पुलिस वाला? आप देखते रहे कप्तान जब घूम रहे हैं तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं, उनके हाथ में उनके सर पे हेलमेट भी है, उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो सर पे हेलमेट है, यानी उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है, खतरा है, डर है कि उन पर पथराव हो सकता है, उन पर गोलीबारी हो सकती है, इसीलिए वो अपना बचाव करके चल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब लोग बचाव खुद कर रहे हो पुलिस वाले होने के बावजूद भी, तो ये दायित्व हो जाता है समाज में रहने वाले लोगों का कि उन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाएं, उनको उकसाएं ना, उनको डराएं ना, उनको उद्वेलित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिरकार वो वर्दी में है, वो ड्यूटी पर है, उसका काम है ऐसे लोगों को रोकना, तो वो रोकने के लिए, ये तो अभी सिर्फ गुस्सा करते अखिलेश नारायण सिंह दिखे हैं, वो तो इससे अधिक भी कुछ बोल सकते थे, गाली गलौज भी कर सकते थे, पकड़ के लोगों को मारपीट भी कर सकते थे जो कि अमूमन पुलिस पर आरोप लगते हैं, पर ऐसा कुछ अखिलेश नारायण सिंह ने नहीं किया। तो अखिलेश नारायण सिंह को अगर किसी ने गुस्सा किया तो अखिलेश नारायण सिंह को पलट के गुस्सा करने की बजाय वहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए थी, उन लड़कों को समझाना चाहिए था, लेकिन वो तभी समझा पाते ना जब वो लड़के पकड़ में आते, जब वो लड़के सामने आते, लेकिन जो चिढ़ाया और भाग गए, छुप गए किसी और के घर में जाके, किसी के घर में तो पुलिस घुसी नहीं, किसी को निकाल के तो जबरन मारा नहीं, और ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को आपने वायरल कर दिया, अखिलेश नारायण सिंह को सफाई देनी पड़ रही है। अगर वहाँ दंगा भड़क जाता, अगर अखिलेश नारायण सिंह वहाँ पिटाई कर देते या उस इलाके में जाके पुलिस लाठियाँ बरसाना शुरू कर देती तो अखिलेश नारायण सिंह जीवन भर के लिए सस्पेंड हो जाते, उन पर कानूनी कार्रवाई चलती रहती, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती रहती और उसके बारे में कोई सोचता नहीं कि जो चार लड़के थे वो लड़के क्यों थे, क्यों उन्होंने इस तरह की बातें की।
तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अखिलेश नारायण सिंह ने बाद में अपनी सफाई में कहा कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोगों की पहचान हो गई है, हम वहाँ वीडियो बना रहे थे, उन पर मुकदमा होगा। तो जिन लोगों ने पुलिस को उकसाया भड़काया उन पर तो मुकदमा चलेगा। पुलिस को आपने छेड़ने की कोशिश की, उनके कामकाज में आपने रुकावट बनने की कोशिश की, तो जाहिर तौर पर तमाम धाराओं में भारतीय आचार संहिता की धाराओं के तहत, दंड संहिता की धाराओं के तहत आप पर मुकदमा चलेगा और आपको मुकदमे के लिए तैयार होना चाहिए। अखिलेश नारायण सिंह को विलेन बनाने वाले जो लोग हैं इस वक्त भारतीय समाज के भीतर, जो अखिलेश नारायण सिंह को पेंट कर रहे हैं, अखिलेश नारायण सिंह ने बहुत गलत काम कर दिया। मैं कोई अखिलेश नारायण सिंह का या यूपी पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ। यूपी पुलिस ने बीते 15 दिन के अंदर, जब से CAA बिल पास हुआ है, NRC को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए, उन्होंने जातियाँ की हैं, उनकी जातियों के बहुत से वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने घर लोगों को घरों में घुसकर मारा पीटा है, बहुत से बेगुनाह लोगों को उठाकर हिरासत में ले लिया है, बहुत से लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि यूपी पुलिस ने उन पर सीधी फायरिंग की है, जबकि फायरिंग का आदेश नहीं था। तो ये तमाम जातियां यूपी पुलिस की तरफ से हुई हैं, पर इस वीडियो को देखकर ये साबित करना कि अखिलेश नारायण सिंह ने जाति कर दी है, अखिलेश नारायण सिंह यूपी पुलिस के एक विलेन खलनायक वाले चेहरे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अखिलेश नारायण सिंह को ये नहीं कहना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूँ कि उन चार लड़कों ने अखिलेश नारायण सिंह को गुस्सा दिलाया, जो चार या पांच लड़के थे, और इसीलिए अखिलेश नारायण सिंह उस अंदाज में, उस तैश में वीडियो में चलते हुए गुस्से में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबको देख लूंगा मैं, बताओ वो चार आदमी कौन थे। अगर पुलिस में आप ऐसा करेंगे तो पुलिस का जाहिर तौर पर रिएक्शन ये सामने आएगा। वो इससे अधिक भी ज्यादती कर सकते थे, पुलिस के पास ज़्यादा पावर होती है, पुलिस ने ऐसा नहीं किया, उल्टा अखिलेश नारायण सिंह ने आ जाके सफाई दी। मेरी ये गुजारिश है मेरठ के बाशिंदों से, उस इलाके के रहने वालों से, खासकर उस वीडियो में एक शख्स की बात सुनिए जो साफ तौर पर कह रहा है कि उन लड़कों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत है जनाब, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये उसके शब्द हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, शांति बनाए रखना जितना पुलिस का काम है उतना हमारा और आपका भी काम है। हमको ये दायित्व निभाना होगा, हमको ये समझना होगा अपने काम को कि हमको पुलिस को माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मदद करनी है। अगर पुलिस को आप उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो पुलिस तो मुकदमे करेगी। यूपी पुलिस को इस मामले में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इस मामले में विलन बनाकर पेश करना कतई भी जायज़ नहीं है। और ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल हो, प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतरे हों, और अभी तक हमने देखा था प्रोटेस्टर्स गुलाब के फूल दे रहे हैं, हाथ में तिरंगा पकड़े हैं, महात्मा गांधी की फ़ोटो है, अम्बेडकर साहब की फ़ोटो है, बड़ा अच्छा लग रहा था कि प्रोटेस्टर बहुत ही अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए सरकार की खामियों को गिना रहे हैं। लेकिन अगर, जैसा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा करेंगे आंदोलनकारी, तो जाहिर तौर पर आंदोलनकारियों के हाथ से ये पूरा मूवमेंट बाहर निकल जाएगा और वो उपद्रवियों के हाथ में आ जाएगा, और जब उपद्रवियों के हाथ में आएगा तो चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस और ज़्यादा दमनकारी चीज़ें अपना सकती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आंदोलन को शांतिपूर्ण रखिए, आंदोलन में पाकिस्तान की कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर आप लगा रहे हैं तो आप और बड़ा गुनाह कर सकते हैं इन पुलिस वालों की नज़रों में, आप पर और संगीन धाराएं लगाकर पुलिस आपको और परेशान करती है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश नारायण सिंह को विलन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन चार लड़कों को ढूंढने की ज़रूरत है, चार या पांच या तीन जितने भी लड़के हैं वो, जिन्होंने पुलिस को उकसाया, और उस कम्युनिटी को, उन लड़कों को लाकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वरना जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में उन चार के चक्कर में कुछ और लोग भी पुलिस की चपेट में, पुलिस के गुस्से की चपेट में आ सकते हैं। इस बात का हमको ख्याल रखना होगा। अगर हालांकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो गुनहगार हैं उन्हें ही सज़ा मिले, बेगुनाहों को परेशान ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।